today we will do proper and improper fraction. Are you ready for this? Yes. Well done. Okay, बेटा अब हम करने लगे हैं proper fraction, जिसके लिए मैंने एक full रोटी ले लिया, ठीक है? अब मैंने इसके 4 equal parts करने हैं, 4 to 5, ठीक है? मैंने इस bread के 4 equal parts कर लिए, ठीक है? अब मैंने इस रोटी का एक part दे देना है जुहेब को. Well done. मेरे पास कितने parts रह गए हैं रोटी के? 3 parts रह गए हैं. और जुहेब के पास कितना है? 1. और इसने ये 1 part finish कर लिया, done? Yes. Kids देखें अब, ये 1 वो part है जो मैंने जुहेब को दिया और ये 4 इसके total parts थे. Can you tell me about numerator and denominator? Yeah. Yes. Well done. Vasiha, tell me about numerator. 1. Very nice. Yes. Husnain, tell me about denominator. 4. Very well done. Excellent. Numerator denominator से small है? Yes. Okay, बेटा ये है proper fraction, क्योंकि इसमें जो numerator है वो denominator से छोटा है. And क्योंकि हमने तो पूरी रोटी फिनिश ही नहीं की. अब बेटा improper fraction के लिए हमारे पास है 3 apples. 3 apples को हम equal pieces में cut करेंगे और then हम in 2 rows में इन 3 apples को डिवाइड करेंगे, ठीक है? बेटा ये मेरे पास 3 apples है और हर apple के मैंने कितने pieces किए हैं? 4. Okay, let's divide the apple. Okay students, मैंने first plate वाले apple से कितने pieces distribute किए हैं? 2. Well done. और second apple से? 3. 3 pieces distribute कर दिए हैं. और fourth apple से? 3. 3 pieces distribute कर दिए हैं. Okay, well done. Okay students, जो apples हमने distribute किए हैं ना वो count करते हैं, ठीक है? जिन एप्पल के पीसेस हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कितने पीसेस हमने डिस्ट्रीब्यूट किए? 7 and 8. Well done. किड्स, मैंने एक एप्पल के कितने पीसेस किए थे? 4. Very well done. अब यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? 4, 8 by 4. Okay बेटा, ये मैंने लिख दिया 8 by 4, फर्स्ट एप्पल, सेकंड एप्पल एंड थर्ड एप्पल, जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किए वैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए. टेल मी अबाउट न्यूमरेटर. 8. वेल डन. एंड व्हाट इज द डिनोमिनेटर?